हमारे भारत देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। हम 56 का सीना रखते हैं, योगी सरकार ने तो जुमलेबाजी कर दी। भैया के लिए जेट प्लस सुरक्षा की मांग की जाए। गुंडागर्दी डबल हो गई, बेरोजगारी दसगुनी हो गई। योगी जी के आने से कोर्ट में घुसकर गोली मारी जाती है। ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है। बहुत बड़ा षड्यंत्र मनुवादी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार का ही है। वास्तव में बेटी बचाओ संकेत दे रहे हैं कि अपनी अपनी बेटियों को बचाओ, जिसका ताजा नमूना और उदाहरण अभी हमको मणिपुर में देखने को मिला। उनका विकास केवल कागजों पे और फेकू चंद की फेकू वाली बातों तक ही सीमित है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कोई दलित मजदूर किसान मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, और ये सरकार जो मौजूदगी में है वो बहुत जल्दी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद भाई को चाहते हैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री हो। कहेंगे सर जिस प्रकार से चंद्रशेखर पे हमला हुआ, क्या कहेंगे आप? वैसे तो भाई के सम्मान में हम यहाँ गाजीबाद से आए हैं। भाई के लिए जेड प्लस सुरक्षा, जितनी भी गोली किसी ने भी चलाई है उन्हें जेल हो, और भाई हम कहते हैं भाई को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या कहेंगे आप, आपके हाथ में बैनर? भाई में गोली चला के जेड सुरक्षा दी जाए भाई को। देखिए तमाम जो बच्चे हैं सभी आमतौर पर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से लोग मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि उनको क्या कारण है। जी मेरा नाम दिलीप भीम कनौजिया है, मैं जिला भदोही उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष भदोही। मोदी पर नारे लगा रहे हैं, 9 साल रहे हैं। देखिए मैडम, मोदी जब से आए हैं इस देश में तब से अराजकता, जातिवाद, भेदभाव, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़। आप कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भेदभाव क्या कर रहे हैं? वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, वास्तव में बेटी बचाओ संकेत दे रहे हैं कि अपनी अपनी बेटियों को बचाओ, जिसका ताजा नमूना और उदाहरण अभी हमको मणिपुर में देखने को मिला। जो हमारी दो बहनों के साथ जिस तरीके का कृत्य किया गया है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। मुझे लगता है वो केवल बहनों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं, हमारे भारत देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। और सरकार में मोदी सरकार है तो पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है, जवाब उनसे मांगा जाएगा ना कि किसी विपक्ष से मांगा जाएगा। मैडम आजाद जी पर हमला किया गया, उनका आरोपी पकड़े गए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए मैडम, आरोपी पकड़े गए हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आरोपियों ने हमला किस मकसद से, किस नियत से किया था और उसके पीछे आरोपी जो थे वो खुद एनकाउंटर करने वाले थे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको मैडम, उन बच्चों को आप देखिए उनकी उम्र क्या है, क्या आपको लगता है कि बिना किसी का हाथ हुए उनके ऊपर, बिना किसी षड्यंत्रकारी या मनुवादियों के सह पर वो ऐसा कदम उठा सकते हैं क्या? आपको लगता है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश है? हमको लगता नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बहुजन आवाज को, हमारे बहुजन आवाज को, हमारी महिलाओं की आवाज को, हमारे देश की आवाज को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मनुवादी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार का ही है। अच्छा 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कौन सरकार चाहते हैं? 2024 में हम मोदी सरकार, बिंदुवासी सरकार जो है, जो हम लोगों के साथ भेदभाव करती है उसको जड़ से उखाड़ने का हमने मन बना लिया है। और वो चंद्रशेखर आजाद भाई ने आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से वो संदेश देने के कार्य करेंगे। हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग अपने अपने घर, अपने अपने गली मोहल्ले, जिले में जाकर के मोदी सरकार के हर कार्य को जनता के सामने रखेंगे। जो उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, बहुजन समाज हो, महिला हो, पहलवान हो, विकास किस प्रकार का किया? उनका विकास केवल कागजों पे और फेकू चंद की फेकू वाली बातों तक ही सीमित है। क्या कह रहे हैं सर? अरे क्या नाम है? मैं राष्ट्रीय लोकदल का नगर पंचायत पटना से चेयरमैन है, और चंद्रशेखर भाई पे जो हमला हुआ है इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कोई दलित मजदूर किसान मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। वो तो कहते हैं कि हम सारे जितने भी जाति हैं उन सभी को लेकर चलते हैं। वे नहीं चल रहे लेके, मणिपुर में जो दलित की बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसका पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसके बाद सरकार हरकत में आई। तो ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है,
महिला विरोधी है। तमाम लोगों से और खात्मा चित्रण कहाँ से आए सर? मैं यूपी से हूँ। जिस तरह से आरोपी पकड़े गए हैं, अब आप डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें कैसे गन मिले, उनके पास गन रहे ताकि वो अपनी सुरक्षा भी कर सके, कहीं ना कहीं सरकार मानेगी नहीं। सरकार मानेगी नहीं, सरकार झूठी है, कह देती है, करती नहीं सरकार कुछ। जता रही है कि उन्हें बहुत, अरे वो दिखावा है, दिखावा। उसके मुंह में कुछ है, पेट में कुछ है और अंदर कुछ है उसके, केवल सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है। इसने आज तक ना कुछ किया है, ना युवाओं को, ना मेरे। कहा जाता है कि यूपी में योगी के आने से बहुत सी चीजों में बदलाव हुआ, स्पेशली गुंडागर्दी डबल हो गई, बेरोजगारी दसगुनी हो गई। योगी जी के आने से कोर्ट में घुसकर गोली मारी जाती है, ये गुंडागर्दी खत्म हो गई। कोर्ट में घुसकर गोली मारी जाती है, गुंडागर्दी खत्म। आपको लग रहा है कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है? कोई आदमी, मोदी सरकार जुमलेबाजी करती है। मोदी सरकार एक जुमला बोलती है कि हम 56 इंच का सेना रखते हैं। बहुजन समाज ने 28,000 पेशवों को 500 महासैनिकों ने मार करके आया था, आज तुम भाग कर लो 28,000 को 500 से, हम 56 इंच का सेना रखते हैं। योगी सरकार ने देखते हो जुमलेबाजी करती है सिर्फ, नहीं तुम भाग करके देख लो बिहार। धोखेबाज सरकार, बिल्कुल धोखेबाज। 2024 में कौन सी फिर सरकार चाहते हैं? मैं एएसपी की सरकार चाहता हूँ, आजाद समाज पार्टी की। कोई बहुजन देश का प्रधानमंत्री बने जिससे बहुजनों का, हर महिला का सम्मान होगा, हर किसान के लिए सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति खुश रहेगा उससे। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का हर व्यक्ति खुश रहेगा। कहीं ना कहीं अब ओबीसी वाले भी झुक चुके हैं, कहीं ना कहीं। हाँ, जागृति आ रही है, जागृति आ रही है। और ये सरकार जो मौजूदगी में है वो बहुत जल्दी जा रही है, समय से पहले भी गिर सकती है अगर जल्दी जागृति हुई। पूरे आत्मविश्वास के साथ मोदी सरकार कहती है कि हम ही आएंगे। देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति तक उनके सामने नहीं बोलता है, वो केवल सिर्फ कठपुतलियों को बनाते हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारी चीजों पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ईवीएम के सारे चुनाव जीत रहे हैं, केवल सिर्फ ज्यादा जो अशिक्षित लोग हैं उनको कहीं राशन दे करके, कहीं कुछ झूठ साझ वो आगे, कहीं 15 लाख आया किसी खाते में, 15 लाख रुपए से ऊपर का कर्ज बंद कर दिया प्रत्येक भारतीय। इस मोदी सरकार ने विदेशों से इतना कर्ज लेकर के तमाम लोगों से और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बबलू। कहाँ से आया? बदायूं। अच्छा, आज यहाँ पे आप मौजूद है, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं, आप लोग तीन चीजों की डिमांड कर रहे हैं सरकार से। हम कुछ नहीं चाहते भैया के लिए, जेट प्लस सुरक्षा की मांग की जाए और हम मांग पूरी करके ही जाएंगे और हम यहाँ से जा नहीं सकते। जय भीम। क्या नाम है सर आपका? नितिन कुमार। कहाँ से आए? मेरठ से। जी, मेरठ से कैसे आए? मेरठ से अपनी गाड़ी से आए हैं। तमाम लोग तो यहाँ पे कुछ साइकिल से भी आए, कुछ पैदल चलकर भी आए। जी, बहुत ये उत्साह है लोगों में, जोश है। चंद्रशेखर आजाद भाई को चाहते हैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री हो। हम ये जो जुमलेबाजी सरकार है ना, ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बीजेपी की सरकार में बेटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है, दिक्कत पहुँचाई जा रही है। बीजेपी सरकार में बहन सुरक्षित नहीं है, माता सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है। स्मृति ईरानी खुद एक महिला होकर आवाज नहीं उठा रही जो मणिपुर में कांड। स्मृति ईरानी जी ने तो जब 400 रुपए का सिलेंडर था, जब खरदू उतार दिया तो रोड पे आ गई थी, और आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, आज रोड पे नहीं आ रही। तो ये कौन सी इंसानियत वाली बात है? हम चाहते हैं इंसानियत वाली एक सरकार आए, आने वाले समय में लोगों को समय के साथ न्याय की गारंटी दिलाए, रोजगार की व्यवस्था हो। ऐसी सरकार को आने के लिए लोग चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भाई अब आगे आए, उनका साथ दें।